हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि DSSV की फॉर्म भरी जाने लगी है, तो आप लोग DSSV का फॉर्म भरना सबसे पहले स्टार्ट कर लें। और एक बात कहना चाहूँगी कि अगर गो थ्रू फाइन आर्ट जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ, अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो एक घंटी आती है, उस घंटी को जरूर दबा लें। लग रहा है बहुत लोग घंटी नहीं दबा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग वीडियो कम देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग को DSSV NTNET KVS NVS ये सब में बहुत ही लाभकारी करने वाला है ये चैनल। तो अभी खैर DSSV की एग्जाम है, इसलिए मैं DSSV से जितने भी क्वेश्चन हो रहा है मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, और साथ में बीच बीच में, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ, कभी कभी तो दो वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, इसलिए मैं जो है NTNET की भी प्रिपरेशन आप लोग को करवा रही हूँ DSSV के साथ। तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। कल जो है मैं आप लोग को DSSV के फोर्थ पार्ट 2015 के जो पेपर हैं वो मैं ऐड की थी। पता नहीं कितने लोग अभी तक देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो 2015 के DSSV के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो कल मैं फोर्थ पार्ट ऐड की हूँ। अगर आपने थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं देखे तो उसे भी देख ले। इसमें 100 से 200 क्वेश्चन हैं जिसे मैं पार्ट पार्ट करके आप लोग के सामने रख रही हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ क्या लाई हूँ वो मैं आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ। आज मैं आप लोग के साथ DSSV के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आई हूँ, उसे मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और साथ ही साथ वो क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने के साथ साथ कुछ कुछ नोट है या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन है जो मुझे ऐड करने की लगती है कि आवश्यकता है, तो उसे भी मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में ऐड कर दी हूँ, ताकि कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, हर चीज़ क्लियर वे में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो भी अभी आप लोग देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं बार बार, ये सारे ही वीडियो आप लोग के सामने प्रोवाइड कर चुकी हूँ अपने चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पे। अगर आपने अभी तक ये सब वीडियो को चेक नहीं किए हैं तो चेक कर लें, बहुत ही फ़ायदा करने वाला है DSSV के लिए और साथ ही साथ NTNET UGC के लिए। तो बहुत लंबा आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दी हूँ, तो अब इंट्रोडक्शन बंद करते हुए आइए हम आदिकाल की चित्रकला के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आज का पहला है आदिकाल की चित्रकला। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि आदिकाल की चित्रकला का डेट क्या था, सब कुछ बताऊंगी। तो देखिए, और ये जो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जोगीमाड़ा गुफा, साहित्य में चित्रकला और चित्रकला के 6 अंग, ये सब तो आज मैं नहीं आप लोग के साथ लाई हूँ, बट सिर्फ प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो इसके बारे में बात करूँगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, मतलब मेरी वीडियो भले ही थोड़ा स्लो जा रहा होगा, कहने का मतलब सिलेबस थोड़ी स्लो मैं पढ़ा रही हूँ, बट आपको इतने अंदर से पढ़ा रही हूँ, इतने डीप पढ़ा रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चंस आप DSSV में मिस नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करके आ पाएंगे। और DSSV की जब मैं पुरानी पेपर देखी तो उसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि DSSV में क्वेश्चंस डीपली पूछते हैं, क्वेश्चंस डीपली पूछते हैं, अंदर से पूछते हैं, ना कि ऊपर ऊपर नहीं पूछते हैं। ये मैं एनालिटिक की हूँ अपने प्रीवियस ईयर पेपर को देख के। आप लोग भी प्रीवियस ईयर को पेपर को देखिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चन DSSV में पूछे जा रहे हैं, उस तरह से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग का हो गया प्रागैतिहासिक कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जोगीमाड़ा गुफा, चित्रकला और चित्रकला के 6 अंग। तो आज मैं सबसे पहले जो आप लोग के साथ लाई हूँ वो है आदिकाल की चित्रकला। तो आदिकाल की, एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ दिक्कत हो रही है, क्यों? हाँ, तो पहला नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देख लेंगे आदिकाल की चित्रकला, वो है कि आदिकाल की चित्रकला का जो डेट है वो 30,000 ईस्वी पूर्व से 50 ईस्वी तक का है, ठीक है? तो ये हो गया। एंड मैं हमेशा एक चीज़ और ऐड करती हूँ कि जो पीछे पढ़ाई हूँ उसे भी रिवाइज करवाते रहूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चित्रकला की परिभाषा ऐड की हूँ। चित्रकला की परिभाषा पहले भी 5 उसके सीरीज में वीडियो बनाई हूँ, उसे ज़रूर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो सीरीज, उसे ज़रूर चेक करें। तो पहले ये थोड़ा देख लेते हैं, किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला है। तो ये सारे चीज़ों को मिला के चित्रकला की परिभाषा बनी है।
अब हम आदिकाल की बात कर रहे हैं तो आदिकाल की चित्रकला का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ, उसे ध्यान से आप लोग एक बार सुन ले। तो आदिम काल की चित्रकला का जो उद्गम हुआ था वो मानव जीवन की भांति कला के उदय का इतिहास रहस्यमय, विराट और अज्ञात है। उसके बाद आज आदि मानव की ये कलाकृतियाँ उसके जीवन की कोमलता, भावनाओं और संघर्षमय जीवन की सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करती हैं। मानव ने इन चित्रों में रेखाओं और आकारों द्वारा अपनी आत्मा एवं प्रगति को अंकित किया है, साथ ही उसकी इस कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है। इन्हीं असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई है, और यह परिभाषा यही है जो मैं आप लोग के सामने ऐड की हूँ। तो मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास क्या हुआ, ये सब से मिला जुला के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें तो आप लोग को समझ में आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कुछ में जो है रेड मार्क से ऐसे सर्कल बना दी हूँ, वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेड सर्कल वाली जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जन्म कब और कहाँ से हुआ? तो पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ और सूर्य से हुआ, यानी कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्य से हुआ। क्वेश्चन नंबर टू है, मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई? तो मनुष्य की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। ये हो गया आप लोग का। अब मैं पढ़ा गई थी, ये जो दो क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताई, ये आदिकाल से जो उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी उससे ही मैं दो क्वेश्चंस छांट के निकाली हूँ आपके लोग के लिए। अब मैं प्रागैतिहासिक काल की बात कर रही हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग अभी से देखेंगे ये प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। तो प्रागैतिहासिक काल का पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है, और वो 3 भाग कौन कौन सा है वो मैं बता देती हूँ। पूर्व पाषाण काल, जिसे पुरातन प्रस्तर युग या फिर मेगालिथिक एज कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, जिसे कि मेसोलिथिक एज इंग्लिश में कहते हैं। उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, जिसे इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, पूरा पूर्व पाषाण काल ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बना दी हूँ। पूर्व पाषाण काल की अवधि क्या है? पूर्व पाषाण काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं, बता दी हूँ मैं अभी, पुरातन प्रस्तर युग, ये देखिए यहाँ पे लिख दी हूँ, और इंग्लिश में मेगालिथिक एज बोलते हैं। तो पूर्व पाषाण काल की अवधि जो है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 3 नंबर, मध्य पाषाण काल की अवधि क्या है? तो मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में मेसोलिथिक एज कहते हैं, और मध्य पाषाण काल को मध्य प्रस्तर युग के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य पाषाण काल की अवधि जो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, जिसे कि इंग्लिश में न्योलिथिक एज कहते हैं, उसकी हम डेट देख लेंगे। तो उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग की जो डेट है 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक है। 10,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को याद कर लीजिए, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की डेट बहुत बार एनटीए नेट में सीरीज के रूप में दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लेंगे, सॉरी उत्तर पाषाण काल अभी नहीं बताए थे ना, उत्तर पाषाण काल 4 नंबर पहले देख लेंगे। उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल को हम नव प्रस्तर युग या फिर नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं, और इसकी अवधि 10,000 ईसा पूर्व से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर, पूर्व पाषाण काल में किस प्रकार का हथियार बनाता था या बनता था? तो पूर्व पाषाण काल में जो हथियार बनती थी वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बनते थे, जो कि मोटे वो भद्दे औजार, देखने में थोड़ा मोटे वो भद्दे औजार एवं हथियार बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, और 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे गोल सर्कल किया हुआ है, तो ये VVI आप लोग मार्क कर लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजार की खोज किसने और किस स्थान से की है? 2 क्वेश्चन ऐड है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा की हूँ कि एक ही क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन ऐड कर दी हूँ, ताकि वही क्वेश्चन को मैं मुझे रिपीट ना करना पड़े, और एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन की आंसर आप लोग को मिल जाएगी। तो किसने और किस स्थान से की? तो ब्रजफुट नामक स्थान में जो है सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजार की खोज हुई,
और खोज कहाँ हुई, तो मद्रास के समीप पल्लावरम, ये डेट ये नाम याद रखिएगा, जो स्थान है ये पल्लावरम स्थान है, और ये पल्लावरम स्थान कहाँ है, पल्लावरम स्थान मद्रास के समीप है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो औजार की खोज की है ना, वो ब्रसफुट की, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ब्रसफुट नामक एक विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तर युग के औजार की खोज की। और ये औजार की जो खोज की वो कौन से जगह पे खोज की, तो मद्रास के समीप पल्लावरम नामक एक स्थान है, वहाँ पे ये औजार की खोज हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तर युग के अन्य स्थान किस घाटी से मिले हैं। तो प्रस्तर युग के अन्य स्थान मतलब कि जब ब्रसफुट तो सर्वप्रथम हो ही गया, तो ब्रसफुट के पश्चात, ठीक है, ब्रसफुट के बाद भी चीज़ें खोजी गई, तो यहाँ पे आप प्रस्तर के पहले पश्चात लगा सकते हैं, ठीक है। तो पश्चात प्रस्तर के अन्य स्थान किस घाटी से मिले हैं, तो सोआ, नर्मदा और साबरमती, यानी कि ब्रसफुट के बाद अगर कहीं से औजार वगैरह या फिर कोई घाटी से कुछ सामान मिला है, तो वो है सोआ, नर्मदा और साबरमती नदी के घाटियों से कुछ प्रस्तर युग के औजार वगैरह मिले हैं। बट सबसे पहले याद रखिएगा ब्रसफुट, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रसफुट, जहाँ की सबसे पहले प्रस्तर युग के औजार की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है। इसके अलावा ये डिस्क्रिप्शन मतलब क्वेश्चंस नहीं है, ये मैं आप लोग को एक नोट दे दी हूँ, इसको आप नोट के तौर पे नोट कर लीजिए। इसके अलावा उड़ीसा, मैसूर तथा मद्रास में भी प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार वो हथियार मिले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्रसफुट नामक स्थान, ब्रसफुट नामक ने जो औजार खोजी, तो और औजार कहाँ कहाँ से मिला है, जैसे कि मैंने सोड़ा बताया, साबरमती नदी बताया, तो उसके बाद उड़ीसा, मैसूर तथा मद्रास से भी प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार वो हथियार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण युग के समय मनुष्य को किस नाम से पुकारा जाता था। तो पूर्व पाषाण युग के समय मनुष्य को क्वार्टिजाइट मनुष्य, यानी कि क्वार्टिजाइट मैन, इंग्लिश में भी लिख दी हूँ, उसके नाम से पुकारा जाता था। और 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको गोल सर्कल में रखी हूँ। 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 नंबर है। 10 नंबर है, मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र की खोज किसने की। तो इनकी खोज प्रोफेसर DPS दाड़िकोस ने की है, इंग्लिश में भी मेंशन कर दी हूँ, जिनको हिंदी में दिक्कतें आ रही हैं वो इंग्लिश में देख लें। इससे क्वेश्चन 10 नंबर से क्वेश्चन दो तरह से बन के आ रही हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि पहाड़गढ़ सियोरपुर जो है वो कहाँ है, तो वो आपका मध्य प्रदेश में है, और पहाड़गढ़ सियोरपुर कला क्षेत्र की खोज किसने की, तो प्रोफेसर DPS दाड़िकेस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, पहाड़गढ़ सियोरपुर के विषय एवं रंग क्या है। तो पहाड़गढ़ सियोरपुर के विषय जो है शिकारी, वो शिकार है। इसमें भी 2 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं क्योंकि विषय और रंग, तो पहला क्वेश्चन विषय हो गया और दूसरा क्वेश्चन रंग हो गया। तो पहाड़गढ़ सियोरपुर के विषय जो थे शिकारी, वो शिकार थे, और रंग उसमें पहाड़गढ़ में गेरू वो सफ़ेद रंग के बने हैं, यानी कि रिपीट कर दे रही हूँ फिर से, पहाड़गढ़ सियोरपुर के विषय शिकारी एवं शिकार थे, और उनके रंग गेरू वो सफ़ेद रंग के बने हैं। तो आज मैं आप लोग को 11 क्वेश्चंस करवाई हूँ, और इसका मैं कंप्लीट नोट्स आप लोग के सामने रख देती हूँ। ये देखिए आप लोग का ये कंप्लीट नोट्स रहा, शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग का कंप्लीट नोट्स हुआ। कल मैं आप लोग के साथ 12 नंबर क्वेश्चन से फिर से जुड़ूंगी। आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल पे बनाए रखिए। ये कैसी लगी, ये जूम करके भी थोड़ा दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कंप्लीट नोट्स है। अगर आप लोग को वीडियो सुनने में या लिखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो यहाँ से भी आप सारे क्वेश्चंस अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जैसे भी इच्छा हो देख सकते हैं। और कॉमेंट करके बताइए कि आपको जो आज मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाई हूँ 2020 DSSB के लिए,
वो कैसा आप लोग को लगा है। ये क्वेश्चंस आपको यूजीसी एनटी नेट में इतना हेल्प नहीं करेगा, जो जो मैं सर्कल मार्क की हूँ वो वाले क्वेश्चंस आप लोग को यूजीसी नेट केवीएस एनवीएस जो भी एग्जाम विजुअल आर्ट फाइन आर्ट की हैं उसमें आपको हेल्प करेगा, बट डीएसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखे होंगे आशा करती हूँ, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर टैप कर ले। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह की एक घंटी आपके सामने आएंगी, उनको आप लोग को दबा देना है। ये घंटी दबाने से आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं फिर से हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे।